नमस्कार दोस्तों, मैं रियांश मॉम आप सभी का स्वागत करती हूं आपके ही चैनल में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम रेडियो लाए हैं आपके लिए कि नवरात्रि के जो व्रत रखते हैं तो उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ऐसे कौन से फल हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारा व्रत टूट जाता है और माँ क्रोधित हो जाती है। अगर वीडियो पे आ गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आप पे सुख समृद्धि बनाए रखें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हिंदू पांचंग के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी माँ की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती है तो उसकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। शरद नवरात्रि में कई महिलाएं और पुरुष 9 दिन का उपवास रखते हैं। कई लोग निर्जला उपवास रखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपवास के दौरान सिर्फ पानी पीकर रहते हैं। वहीं हम में से कई लोग उपवास के दौरान एक टाइम फलहार खाते हैं। अगर आप फलहार वाला उपवास रख रहे हैं तो उपवास के दौरान किस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं और किस तरह की नहीं, इन बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका उपवास सफल हो सके। तो आइए जानते हैं उपवास के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं। नवरात्रि व्रत में क्या खा सकते हैं? सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरी का आटा, समा के चावल का आटा, व्रत के चावल। सिंगाड़े का आटा, आप सिंगाड़े की पूड़ी, पकौड़ी, पराठे, हलवा, चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। कुट्टू का आटा, इसमें खिचड़ी, पराठा, पकौड़ी, पूड़ी, हलवा बनाकर आप खा सकते हैं। राजगिरी का आटा, पूरी, व्रत का हलवा, व्रत की कड़ी, पराठा, थाली पीठ बनाकर खाया जा सकता है। समा के चावल का इस्तेमाल आप व्रत के उद्यापन, व्रत की इडली, डोसा, पूरी बनाने के लिए कर सकते हैं। व्रत के चावल में पुलाव, खिचड़ी, खीर, दलिया, इडली, डोसा, उपमा या फिर सादा खाना आप बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं व्रत में कौन से मसाले हमें खाने चाहिए और कौन से नहीं। जीरा या जीरा पाउडर, काली मिर्च, काली पाउडर, सेंधा नमक, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, सूखे अनाज के बीज, अदरक, हरी मिर्च, नींबू, अजवाइन, हरा धनिया, पुदीना, हरी करी पत्ता, इन चीज़ों का यूज़ आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नवरात्रि में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं। आलू, कद्दू, शकरकंदी, अरबी जैसी सब्जियां हम खा सकते हैं। केला या कच्चा केला, केले का प्रयोग आप सब्जी, केले की फ्राई या केले की चिप्स बनाकर खा सकते हैं। कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा या सलाद भी बना सकते हैं। उपवास में आप साबूदाना, मखाना भी खा सकते हैं। उपवास के दौरान साबूदाना कई लोगों का पसंदीदा आहार होता है। आप साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना बड़ा, थाली पीठ, पकौड़ा, लड्डू, टिक्की, भेल और इत्यादि चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। तो अब बात करते हैं नवरात्रि में क्या नहीं खा सकते। प्याज और लहसुन से सख्त परहेज किया जाता है। कई दाल और फलियां बिल्कुल भी नहीं खाई जाती हैं। व्रत में साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं होता है। हल्दी, हींग, सरसों, मेथी दाना, गरम मसाला और धनिया पाउडर जैसे मसालों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। इस पवित्र मौके पर शराब, मांसाहारी भोजन, अंडे, धूम्रपान का भी सख्त मनाही होती है। सूरजमुखी के तेल जैसे बीजों से बने किसी भी तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में इन आटों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि चावल का आटा, गेहूं का आटा, मैदा, सूजी,
या चना या बेसन आदि का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। व्रत में खट्टी चीजें जैसे कि खट्टे फल जो होते हैं, खट्टी सब्जियां जो होती हैं, उनका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि टमाटर, अक्सर सभी लोग टमाटर को एक फल की तरह मानते हैं और व्रत में इसे फलाहारी के तौर पर खाते हैं, लेकिन इसका सेवन भी वर्जित माना गया है। दरअसल टमाटर एक खट्टी सब्जी है, ऐसे में इसे फलाहार में शामिल नहीं करना चाहिए। और कुछ खट्टे फल होते हैं जिनको हमें नहीं खाने चाहिए, जैसे कि अनानास, चीकू, कीवी जैसे खट्टे फल हमें बिल्कुल भी इस व्रत में नहीं खाने चाहिए। अगर हम इन फलों का सेवन करते हैं तो हमारा जो व्रत है वो टूट जाता है। तो कई लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, तो वो सावधान रहे, इन फलों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। आप व्रत में केला, सेब, पपीता जैसे फल को खा सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में रखें इन बातों का ध्यान। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए खूब सारा पानी पीते रहना चाहिए। नारियल पानी हो या छाछ हो जैसे तरीले पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर हाइड्रेट रहने में हमें मदद कर सके। तो दोस्तों, आज हमने आपसे ये बात बताई कि माता रानी के अगर व्रत रखते हैं तो कौन सी चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका व्रत टूट जाता है। तो उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वाली वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ।